हेलो गाइज, वेलकम टू मोटोमॉल यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम अभिषेक और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो गाइज, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडिया या शायद एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट चॉपर बाइक, जिसको मॉडिफाई किया है जैक कस्टम्स ने। और ये बाइक देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बाइक है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ है। और ये इंडिया या एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट बाइक है, और ये बाइक को बनाया गया है बजाज एमवीएक्स 220 के ऊपर। सो अभी मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूँ, उसका राइड वाला वीडियो भी आपको देखने मिल जाएगा। सो रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मैं अब आपको इसका गाड़ी का एक वॉक अराउंड दिखाता हूँ, और आप देखिएगा कितनी बड़ी साइज़ है। और प्लीज़ हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये इतनी लंबी चॉपर क्या आपने आज तक पहले कभी देखी थी, कैसी लग रही ये इतनी बड़ी चॉपर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बाइक का आपको राइडिंग वीडियो और एग्जॉस्ट साउंड वीडियो के लास्ट में आपको देखने मिल जाएगा। सो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में जो इसका आपको राइडिंग वाला जो वीडियो है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, और इसका आपको एक एग्जॉस्ट साउंड भी सुनने मिल जाएगा। यही बात करें, ये जो आप पीछे से भी देख रहे हैं ये बाइक की डिज़ाइनिंग के टाइम में है। सो जैक कस्टम को अराउंड 45 डेज का टाइम लगा इस 13-foot बाइक को डिज़ाइन करने में। जी हाँ, ये बाइक की लंबाई अराउंड 13-foot है, मतलब बहुत ही बड़ी बाइक है। और इसको बिल्ड किया गया है बजाज एवेंजर 220cc के इंजन पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका फ्रेम डिज़ाइन हो रहा है, ये आपको बजाज एवेंजर 220 का यहाँ पे इंजन भी लगा दिया गया है। सो बाइक को ओवरऑल डिज़ाइन करने में आप देख सकते हैं फाइनल लुक कैसे दिख रहा है। अभी मैं आपको उसका एक वॉक अराउंड दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपको 6-foot का फ्रंट फोक, मात्र 6-foot का फ्रंट फोक ही आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। और इसका जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी अराउंड 50 लीटर्स की है, मतलब 50 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी वाला बाइक है ये। और ये सिंगल सीटर बाइक है, और आप देख सकते हो किस तरीके से जैक कस्टम ने इसको डिज़ाइन किया गया है, मतलब बहुत ही बड़ी दिख रही है बाइक। इवन मेरे कैमरे में भी ये बाइक अच्छे से फिट नहीं हो रही थी। आप देख सकते हो इसमें जो रियर टायर है वो एक मिनी ट्रक का रियर टायर दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइड है। साइड में आपको बैग्स भी देखने मिल जाएंगे, मतलब सीरियसली ये एक ऐसा लगता है किसी मूवी की बाइक है, मतलब इतनी बड़ी ज़्यादा बाइक है यहाँ पे देखने मिल जा रही है, जो सिंगल सीट है यहाँ पे। और इस बाइक की स्पेशलिटी है कि सबसे पहली बात आप नोटिस करोगे इसका जो फ्रंट फोक्स है वो अराउंड 6-foot का है, और ये जो आप मशीन गन जैसे देख रहे हो ये इसका एग्जॉस्ट है। जी हाँ, यहाँ से इसका एग्जॉस्ट इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया है, एक घोस्ट राइडर जैसे आपको एक इसमें आपको स्कल देखने मिल जाएगा यहाँ पर। और इसका LED हेडलैम्प, मतलब बाइक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया। और इस बाइक को बनाने की कुल कीमत आई है अराउंड 7.5 lakh। जी हाँ, 7.5 lakh में इस बाइक को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, और अराउंड 45 डेज़ लगा है, और ये बैंगलोर में ही यहाँ पे डिज़ाइन करी गई है। आप देख सकते हो इसका जो हैंडल बार है जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइड है, अभी आपको आगे वाले वीडियो में देखने मिलेगा, जब मैं इसमें बैठूँगा तब आपको पता चला पाएगा कि कितना वाइड इसका हैंडल बार है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। शायद ये रॉड को पूरा कस्टम तरीके से बना के यहाँ इतना बड़ा हैंडल बार बनाया गया, क्योंकि मार्केट में आपको इस तरह का हैंडल बार देखने शायद ही मिलेगा। देख सकते हैं सामने का फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा एकदम एग्रेसिव, बोलते तो जैसे लग रहा है स्कल एक टाइप का है, आपको यहाँ पे सामने फ्रंट लुक देखने मिल रहा है। और इसमें रियर में भी आपको स्कल देखने मिलेगा, जो कि एज अ टेल लैम्प यहाँ पे काम कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा फैट है। और इसका चेन स्पॉकेट देख सकते हो, जो कि कस्टम तरीके से बनाया गया था कि बाइक की लंबाई के अकॉर्डिंग इस बाइक को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। साइड में दो बैग्स भी दिए गए हैं। यदि इस बाइक की बात करें तो ये शायद इंडिया या एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट चॉपर बाइक है, जो कि एवेंजर 220 पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट और रियर का जो पोर्शन है। और हाँ दोस्तों, इस बाइक की जो कुल वेट है वो अराउंड 450 kg, मतलब 450 kg की ये हैवी मशीन है बाइक। आप देख सकते हो इसका जो टैंक है, इसका टैंक कैपेसिटी अराउंड 50 लीटर का टैंक कैपेसिटी है। अब इसको भी कस्टम तरीके से यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि यूजली आपको 50 लीटर की टंकी कहीं पर देखने नहीं मिलेगी। अभी मैं इसका आपको दिखाता हूँ, मैं जब इसमें बैठूँगा तब आपको इसका एग्जैक्टली साइज़ का पता चलेगा कि कैसे दिखता है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो आपका ऑलरेडी हैंडल बार का आइडिया लग गया होगा कितना ज़्यादा वाइड हैंडल बार है, मतलब सीरियसली मेरे को बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है इस हैंडल बार को मोड़ने के लिए। आप देख सकते हो टर्निंग इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया अगर आप छोटे एरिया में हो। वैसे यूजली ये बाइक रोड में लीगल तो है नहीं, ये सिर्फ शो के लिए यहाँ पर रखा गया था, कि एक अलग से आपको पता चल पाएगी एक अराउंड 13-foot की भी यहाँ पे बाइक बनाई गई है। आप देख सकते हो फ्रंट का लुक देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक चॉपर सा लुक आता है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है, बहुत ही ज़्यादा वाइड था सीरियसली। इवन इसको आप टर्न करने में भी आपको थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे लगानी पड़ेगी।